दोस्तों मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जो इंसुलिन पेन का जो निडल होता है, ये निडल कितने दिन में चेंज करना चाहिए। वैसे तो नॉर्मली जो कंपनी बोलती है कि ये डिस्पोजेबल निडल है, एक बार यूज़ किया और एक बार यूज कर फेंक दिया आपने, नॉर्मली कंपनी बोलती है। लेकिन चूँकि ये इंजेक्शन आप अपने आप को लगा रहे हो, एक ही आदमी को लग रहा है, कोई अलग अलग आदमी नहीं लग रहा है, तो नॉर्मली अधिकांश लोग एक इंजेक्शन से 5 से 6 बार इंजेक्शन लगाते हैं। क्योंकि क्या होता है, देखो कि जब एक बार प्रिक करते हो तो ये बहुत फाइन प्रिक नीडल होता है, बहुत फाइन टिप होता है। हर प्रिक करने के बाद इसकी जो धार होती है थोड़ी ब्लंट होती जाती है, तो जितने बार इंजेक्शन ज़्यादा लगाते जाओगे तो दर्द थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा। तो अधिकांश लोग 5-6 बार इंजेक्शन लगाने बाद बंद कर देते हैं। कुछ लोग ऐसा होता है कि एक बार लगाते हैं, जब तक रिफिल ख़त्म नहीं आती है उसको यूज करते हैं, कोई नुकसान नहीं है क्योंकि आपसे कोई बीमारी आपको नहीं फैलेगी। पर एक ध्यान रखिएगा, अगर आप एक ही को बार बार यूज कर रहे हैं तो आपको इंजेक्शन लगाने के बाद इसको कोई स्प्रिट या रुई से साफ करने की जरूरत नहीं है। आपने फट से इसको, आपने ये मान लो इंजेक्शन लगा लिया, आपने एक बार इंजेक्शन इसको चलो तो एक बार इंजेक्शन लगाने के बाद आप उसको ढक्कन को उसको बंद कर दीजिए, बंद करिए तो इसको कोई आपको जो है गंदगी नहीं होगी। इसके जो साथ जो छोटी नील आती है, छोटी नील जो ये देखा गया कि जो यंग लोग होते हैं जिसकी आँख में रोशनी अच्छी होती है उनको इसको जो है इसको बंद कर सकते हैं। इसको अब जैसे हम लोग को देखो दिखाई कम देता है इसे बिना चश्मे के, और हम बिना उसके अगर इसको बंद करेंगे तो कभी कभी प्रिक होने का खतरा होता है। तो इसको लगाने तरीका सीखो, लगाने तरीका ये होता है, देखो ऐसे करके इसको इस पर ऐसे रख के और फिर इसको ऐसे करोगे, ऐसे बंद करोगे, और इसको ऐसे ले करके ऐसे बंद करोगे तो कभी चुभ जाता है, ये प्लास्टिक में चला जाता है। हाँ, प्लास्टिक चला जाता है। तो आप इसको क्या करोगे, ऐसे रखोगे, ऐसे फंसा करके और फिर इसको ऐसे करके और फिर यहाँ से पकड़ इसको दबाना है, यहाँ से ये यह होगा। और जो लोग थोड़े बुजुर्ग लोग हैं, 55-60 साल के हैं, जिनका विजन होता अच्छा नहीं है, तो कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप अपने आपने इंजेक्शन लगाया, लगाने के बाद इसको आपने बिना उसके ऐसे कर दिया। तो आप समझ गए कि एक इंजेक्शन ये निडल कितने यूज करना है। सिमिलर पेन को भी नॉर्मली कंपनी बोलते कि एक इंसुलिन ये बिडिस इंसुलिन सिरिंज है, आपको हर बार नया यूज करना है। बट एक सिरिंज निडल 6-7 रुपये आती है, पैसा क्यों वेस्ट करें। तो अधिकांश लोग एक बिडिस सिरिंज से 5-6 बार इंजेक्शन लगाते हैं, जैसे लगे दर्द थोड़ा ज़्यादा हो गया आप चेंज कर लो। जो लोग तो इकोनॉमी अच्छी नहीं है, एक इंजेक्शन निडल से 10 दिन 15 दिन लगाते हैं, कोई नुकसान नहीं है। इस तरह से आपने क्वेश्चन पूछा कि जो शुगर टेस्ट के प्रिकिंग जो इंस्ट्रूमेंट होती है वो कितने यूज करना चाहिए, सेम सिस्टम वहाँ भी है। आप हर रोज अपना चेक कर रहे हो तो आराम से एक प्रिकर से 5-6 बार 7 बार लगा सकते हैं। जहाँ लगे थोड़ा दर्द बढ़ गया तो नॉर्मली 5-7 दिन बाद चेंज करना चाहिए। पर कभी करो, इसको किसी साफ करने की जरूरत नहीं है, कुछ साफ करोगे तो आपको जो स्प्रिट शॉप और स्ट्राइल है नहीं हो तो कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हर बार इसे टिप खराब हो जाता है। बिना बस करके इसको ढक्कन बंद कर दिया आपने, इसको क्या ढक्कन बंद कर सकते हैं, क्या सीख लो का सेम तरीका है। आप इसको ले करके ऐसे करोगे, ऐसे करने के बाद इसको बंद करें। सिस्टम क्या होता है कि किसी उससे जमान ये है, इसे 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 बंद करोगे, अगर इसको ऐसे करके और ऐसे करोगे तो कभी चुभने खतरा होता है, लेकर ऐसे हो जाए। भैया नील खराब कोई देखे चुभना नहीं चाहिए। तो आई होप इसे नॉलेज मिला आपको कि निडल कितने यूज करना है और कैसे को ढक्कन लगाना है, ये आपको बताया मैंने। मैं भी ये करता हूँ कि जब पेन बढ़ता है तभी चेंज कर देता हूँ, 7-8 दिन चला लेता हूँ, 15 रुपये की कैंपिंग वो है, बस बंद ऑफ कर दिया उसकी मेडल है, ये 15 रुपये।